दोस्तों हम इस समय हिंजवाड़ी फेज वन पुणे में, चलते हैं ओकायामा गार्डन जिसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप गार्डन भी। ये यहाँ से 26 किलोमीटर जिसमें लगेंगे 50 मिनट। हम आए ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन चार कन्याओं के साथ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गार्डन इन पुणे। एंट्री करते साथ ही आपको पार्किंग की जगह मिल जाएगी और पार्किंग का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब गाड़ी कर दी है पार्क, अब हम ले लेते हैं गार्डन का टिकट और गार्डन ओपन होने का एक स्पेसिफिक टाइम है। टिकट यहाँ मिलेगा, 5 रुपये का टिकट है। तीन वर्षा पुडील 5 रुपये टिकट कर। आप देखिए यहाँ पर आपको ना ऑनलाइन टिकट या UPI या कार्ड नहीं चलेगा, 5 रुपये टिकट है बट आपको कैश लाना पड़ेगा। कैश 5 रुपये, तो हमने अभी 5 लोग हैं तो 25 रुपये कैश की जुगाड़ कर रहे हैं मौसी से। मेन गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ खूबसूरत सा एक वेलकम पॉइंट है। गार्डन काफ़ी सही साफ़ सुथरा मेंटेन्ड है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी खाने पीने का सामान अलाउड नहीं है इसलिए ये बहुत ही मेंटेन्ड और साफ़ सुथरा गार्डन है। मेंटेन्ड, कटाई छटाई भी देखिए आप पूरा सही बना रखा है। नहीं, व्यू बहुत ही शानदार है। अगर आप इधर आते हैं पार्क में, वहाँ से एंट्री करेंगे मेन गेट से, आप रास्ते में देखिए कितना सुंदर इसमें पेड़ पौधों की कटाई छटाई हो रखी है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और यहाँ से जो व्यू मिल रहा है वाह, क्यों निष्ठा, शानदार पेड़ पौधे, क्या हरियाली है और अच्छा बना रहा है। क्या बोलती है उस गार्डन के बारे में, कैसा लग रहा है? है ना, सही था डिसीजन। 4 बजे से ओपन होता है ये गार्डन, अगर आएंगे आप। मुझे तो बहुत ही शानदार लग रहा है, क्योंकि देखिए आपको अभी दिखा देते हैं, छोटा सा एक पुल मिलेगा आपको यहाँ पर। बहुत सही, साफ सुथरा पानी, पानी का स्रोत, छोटी सी एक झील बनाई हुई है यहाँ से पानी जा रहा है पूरे गार्डन में। ये ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन जैपनीज थीम पर बेस्ड गार्डन है। इस गार्डन में आपको बहुत सारे सीनिक व्यूज़ मिलेंगे, काफ़ी सारे आप अच्छे शॉट्स निकाल सकते हैं, मज़ा आने वाला है पूरे दिन आज। और बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब अगर आप काफ़ी अच्छा समय बिताना चाहते हैं फैमिली के साथ, ये जगह रिकमेंडेड है बिल्कुल। आपको यहाँ पर हर एक एज ग्रुप के लोग मिलेंगे जो कि यहाँ पर अपना बहुत अच्छा समय बिताने के लिए आए हैं। ये देखिए पार्क के बीचों बीच एक बढ़िया सा तालाब, इसमें बहुत सुंदर शानदार इसमें फाउंटेन्स आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको बतखें और लाल मछलियाँ भी दिख सकती हैं। चूँकि ये तालाब जैपनीज थीम पर बना हुआ है, जैपनीज थीम में पानी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए आपको पूरे पार्क में पानी अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देगा। कहीं तालाब, कहीं फाउंटेन्स, कहीं आपको छोटी छोटी कैनाल्स दिखाई देंगे, तो चारों तरफ आप गार्डन में पानी देख सकते हैं। इस गार्डन में एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल भी है। ये पानी और ये हरियाली आपको बहुत ही अच्छी ठंडक का एहसास कराता है। बहुत ही लुभावना दृश्य है, आप देख सकते हैं क्या सीनरी बन रही है यहाँ पर, मनमोहक। ये लोग यहाँ पर फोटो क्लिक्स करने में लगे हुए हैं। और भाई साहब मजा आ रहा है, पूरे दिन का यूटिलाइजेशन सही है, मौसी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप तुम लोग आ रहे हो। ये देखो निष्ठा कुछ तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रही है। लॉन में चलना सख्त मनाही है क्योंकि यहाँ पर घास खराब हो सकती है।
गार्ड बार बार सीटी बजा रहा है फिर भी बच्चे मान नहीं रहे। बहुत अच्छा पार्क है। अगर पुणे में अगर प्लान कर रहे हैं पार्क घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो अपनी फैमिली के साथ आए, जैसे कि मैं आया हूँ फैमिली के साथ, मौसी के साथ, बहन के साथ और दीदी के साथ। मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे फोटो सेशन करा लिए इन्होंने, कम से कम 150 फोटो खिंचवा ली, अभी मान नहीं रहे। देखो ना, चलते हैं थोड़ा सा गार्डन को और एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, ये बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जगह जगह छोटी छोटी पानी की कैनाल्स भी बनाई गई हैं। यहाँ गार्डन के कॉर्नर पर आपको बहुत ही सुंदर सा एक वाटरफॉल मिलेगा। जितना भी आप वाटरफॉल्स, वाटर बॉडी, कैनल्स आप देख रहे हैं, ये मैन मेड है। ये सभी यहाँ पर गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। एंड बेस्ट टाइम टू विजिट दिस गार्डन ड्यूरिंग कलर मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। यहाँ पर आपको सीटिंग के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, आराम से पानी में पैर डाल के बैठिए। बहुत ही अच्छी जगह है आराम करने के लिए, बैठने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, बिल्कुल जैपनीज थीम पर बनाया गया है ये ऊपर। ये यहाँ से स्टेयर्स गए हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे और आप ये देखिए, वो देखिए, वो बैठी है हमारी मौसी जी। वो दोनों थक गए हैं तो थोड़ा दूर जाकर बैठ गए हैं, दिखाते हैं आपको, और जल्दी पहुंचते हैं वहाँ। ये गार्डन की सबसे अच्छी जगह है, यहाँ से गार्डन का सबसे बेस्ट जो नज़ारा है यहीं से दिखाई देगा आपको, और डूबता हुआ सूरज, वाह क्या सीन होगा। ये गार्डन आप एक ही लुक में, आप यहीं से खड़े हुए पूरा गार्डन एक ही बार में देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक। आपको ये गार्डन सनसेट के टाइम पर जरूर देखना चाहिए, खासकर इस पॉइंट से मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो चलते हैं वापस नीचे, हमने ऑलमोस्ट ये गार्डन कवर कर लिया है, अब चलते हैं मौसी की तरफ। और इसी के साथ हम वापस से मिल चुके हैं अपनी मौसी के साथ। हम इनको ऊपर से देख रहे थे आपको। शाम होते होते यहाँ पर काफी अच्छी तरह की लाइटिंग शुरू हो जाती है, तो रोशनी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है रात में, और शाम को ये गार्डन बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब ये गार्डन का खूबसूरत नज़ारा और ये दृश्य मैं अपनी आंखों में लेके जा रहा हूँ। अब शाम हो चुकी है और वापस चलते हैं घर की तरफ। अब जाने का समय, जैसे 8 बजे तक पार्क बना रहेगा, काफ़ी घूमे, काफ़ी मौज मस्ती की। अभी जाएंगे, चाय पकौड़ी खाएंगे, नहीं खाएंगे क्या? खाएंगे, चाय पियेंगे और बड़ा पाव, अगर मौसी को पसंद आएगा बड़ा पाव खाएंगे। तो अच्छा दिन गुजरात आएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे तो आप आराम से यहाँ पर गुजार सकते। जगह जगह आपको ऐसे बोर्ड भी दिख जाएंगे, चलन्यास और बसन्यास सख्त मनाई आए। तो अब पार्क से जाने का समय और तीनों लोग जा रहे हैं, और पीछे वाली छोरी अभी भी वीडियो बना दी जा रही है, रील्स बना रही है कि ब्लॉगिंग के लिए कर रही पता नहीं है, बट वीडियो उसका कैमरा चालू है हमेशा से। बहुत बढ़िया, समाप्ति की घोषणा। चलो चलते हैं वापस से अपनी पार्किंग की तरफ। गार्डन में आपको सूर्य नमस्कार की सारी पोजीशंस दिखाई दे जाएंगी,
विजुअल तरीके से काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि सही पोजीशंस क्या हैं सूर्य नमस्कार की। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।